न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फुल स्विंग में तैयारी हो रही है। मुझे लगता है 2 महीने से या 3 महीने से बिल गेट्स घर पे ही नहीं गया है, इधर ही है, और हर 2-3 महीने में उसका राउंड रहता है और प्रधानमंत्री के साथ कुछ डिस्कशन और सारे टॉप नॉच लोगों के साथ डिस्कशन करते रहता है। बेसिकली वैक्सीन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पुश किया जा रहा है, पर ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोगों की दिमाग की लेवल है, इसलिए 200-300 साल इंडिया गुलाम था और वापिस एक लंबे समय के लिए गुलाम बनने वाला है, क्योंकि अंधा भक्तों को अक्कल नाम की चीज़ नहीं है। इतना ओपनली सामने सामने चल रहा है, एक भैरूपिया बिंदास झूठे वादे करता है जो हर बार करता है और वापिस कर रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप दूसरों पे लगाता है जब खुद का एक एक कण भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और 3,000 करोड़ भ्रष्टाचार के, मतलब ईडी जो पैसा जब्त करेगा गरीबों में बांटने वाला है, प्लस बंगाल में 75 लाख जॉब देने वाला है तो लाइक मर्यादा रहता है एक, ये लगता है कोई मर्यादा विर्यादा पालता नहीं है, बिंदास झूठ बोलता है और गलती उसकी भी नहीं है। इधर बेवकूफ़ लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका झूठ डाइजेस्ट भी होता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आ ही गया है, क्योंकि गांडू गेट्स इधर ही रहता है, इंडिया में ही रहता है, तो किसी को शक नहीं हुआ क्या वो इधर क्या कर रहा है। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन में लगा हुआ है, बीमारी दूर करने में लगा हुआ है, क्या क्या चिंता है उसको इंडियन लोगों की? क्या इंडियन लोग स्पेशल है कि एक गोरा आदमी आके पैसे की मदद, सॉफ्टवेयर की मदद, दवाई की मदद, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद, सरकार कैसे चलाने का इधर डिक्टेट कर रहा है? तो अभी हर एक को LLM सीखना ही पड़ेगा, मैं भी सीख रहा हूँ ऑनलाइन, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट है अगर तुम मैथमेटिक्स में घुसोगे तो, लेकिन अपने को सिर्फ जो मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं उसको यूज़ करना है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके रन करना है बस, और उसको ट्रेनिंग देना है। तो क्या बोलते हैं उसको, फाइन ट्यूनिंग। तो एक अभी LLM मिस्ट्रल 7B जो LLM था, जो मल्टी मॉडल भी नहीं है, सिंगल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, उसको डूम वीडियो गेम पे ट्रेनिंग दिया ASCII फॉर्मेट में, जो वीडियो गेम खेलता है उसका ASCII फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस पे ट्रेनिंग दिया, और वो ASCII फॉर्मेट पे सीख गया गेम खेलने का। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ LLM। उसने गेम देखा भी नहीं, विजन मॉडल नहीं था, टेक्स्ट फॉर्मेट जो गेम खेल रहा था उसका ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो डेटा पे ट्रेनिंग दिया और LLM वीडियो गेम खेलना सीख गया। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। ये कैरेक्टर के बाद ये
तो पैटर्न रिकग्निशन और ये सबसे अच्छा करता है। और मतलब अपन क्या सोचते हैं कि उसको दिखाएगा विजन मॉडल, मतलब वो कैमरा से गेम खेलते हुए देखेगा, फिर वो सीख जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में सीख गया वो, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। तो जानवर जानवरों का कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, और बायोलॉजिकल भी कम्युनिकेशन, सब कुछ LLM सीख सकता है। और अभी रोबोटिक्स आ रहा है, रोबोटिक्स भी काफ़ी स्पीड में तरक्की कर रहा है, ओपन AI, फिर टेस्ला, सब रोबोटिक्स के पीछे लगे हैं। तो रोबोटिक्स भी काफ़ी तरक्की कर रहा है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एकदम फटाफट आएगा। सिर्फ दिक्कत ये है कि अपना भी बचने का चांसेस कम है, इवन इफ वी नो एवरीथिंग, क्योंकि ये जो सिस्टम्स बन रहे हैं ये इतने पावरफुल है कि अपन उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर अपन LLM के लेवल का कुछ रोबोट अपन खुद बना सके, जो बना सकते हैं और LLM समझ सके, यूज़ करना, कोडिंग करना, फाइन ट्यूनिंग करना, तो थोड़ा बहुत चांस है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट नन, क्योंकि अपन बेवकूफ़ लोगों से घिरे हुए हैं। आएगा वही आएगा। एक गधा मेरे को बोल रहा था कि तुम बताओ पुलिस तुमको ऐसा ही पकड़ता है क्या, तो वो बोलता है केजरीवाल ने कुछ तो किया ही रहेगा, तभी तो पुलिस ने पकड़ा है। ये लेवल है क्या, पुलिस झूठे केस में कभी फंसाता नहीं क्या? तो ये लेवल के लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, गधे का भी लेवल से नीचे की अंडरस्टैंडिंग है। और ये लोग देख नहीं पा रहे, सामने ही तबाही और बर्बादी हो रही है। एक गांडू गेट्स इधर आके रह रहा है, प्रधानमंत्री एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, मतलब प्रधानमंत्री को ये चला रहा है, पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ये चला रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है और ये भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है।